नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे शिक्षक जो लगभग 30 अगस्त 2022 से अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला। हम मुलाकात कराएंगे आपकी और दिखाएंगे कि क्या इनकी पीड़ा है, जानेंगे इनसे कि कहां तक इन्होंने सिफारिशें लगाई, इनको इंसाफ क्यों नहीं मिला। इनके पास सारे साक्ष्य भी मौजूद हैं और आपको बता दें, लगातार एक महीने से ये भास्कर समाचार से संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। हम चाह रहे थे कि कोई मामला विवादित ना हो और इनको जल्द से जल्द इंसाफ मिल जाए, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद इन्होंने फिर से एक बार भास्कर समाचार से संपर्क किया। तो आज हमारा दायित्व है कि इनकी समस्याओं को उठाया जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए, अधिकारियों तक इनकी समस्याओं को पहुंचाया जाए। सर, स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि आप पहली बार भास्कर समाचार पे आए हैं, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, इससे पूर्व भारतीय नौसेना में मैं सेवाएं दे चुका हूँ। कोरोना काल के समय 2020 में 21 जुलाई को मेरी नियुक्ति PGD गणित विषय के अध्यापक के रूप में हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज खैला बागपत में हुई है। जी सर, अभी आपने परिचय दिया, आप भूतपूर्व सैनिक, आपने बताया रिटायरमेंट कब लिया सर आपने? सर, मेरा जो रिटायरमेंट हुआ था जुलाई 2014 में हो गया था। जी, तो रिटायरमेंट के बाद फिर आपने शिक्षक की ड्यूटी ज्वाइन की थी? जी, तैयारियां की, एक स्वप्न था कि एक पारी देश की सेवा में गुजारी, एक पारी अपने जैसे नए सैनिक खड़े करेंगे जो दमदार तरीके से देश की सेवा कर पाएंगे। सर, आपको लंबा अनुभव है, राष्ट्र की सेवा आप कर चुके हैं और आप शिक्षा की ज्योति जला रहे हैं, कैसा अनुभव आपका रहा अभी फिलहाल शिक्षा के क्षेत्र में? सर, शिक्षा का क्षेत्र तो काफ़ी अच्छा है, मेरा स्वप्न था जिसे मैं अपनी दूसरी पारी में पूरा करने का, मेरा स्वप्न पूरा हुआ। वैसे मेरी पहली जो पारी थी वो भी एक अल्पकालिक शिक्षक की थी, खेकड़ा में एक प्राइवेट संस्था है, उसमें बाद में मेरी नियुक्ति 1999 में कारगिल वॉर में देश की सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। तो अपनी दूसरी चीज़ों को छोड़कर हम पहुंच गए भारतीय नौसेना में सेवा देने के लिए, हमें अवसर प्राप्त हुआ। और उसके बाद जब हम लौट कर आए, आने के बाद कई जगह मैं मैनेजर भी रहा कॉरपोरेट में जी, उसके बाद अपनी एजुकेशन को बढ़ाया, DJ कॉलेज बड़ौद से ही मैंने BEd किया शिक्षक बनने हेतु, रेगुलर प्रतिदिन नौकरियों को छोड़कर प्रतिदिन कक्षाएं अटेंड की और अपना अपने आप को अच्छा शिक्षक बनाने का खूब भरसक प्रयास करते हुए 2020 में मैंने सफलता पाई। सर, आपने बताया कि आपने पहली पारी की शुरुआत की राष्ट्र की सेवा करने के लिए, आप सेना में भर्ती हुए, रिटायरमेंट के बाद आपने दूसरी पारी की शुरुआत की, आप शिक्षक बने। सर, लगातार लंबे समय से आप कई प्रकरण चल रहे हैं जो मीडिया चैनलों पर भी प्रकाशित हो चुके हैं और बता जा रहा है कि आप लंबे समय से अधिकारियों के भी चक्कर काट रहे हैं, क्या आपकी वो मुख्य समस्या है जिनको लेकर आप इतने काफ़ी परेशान रहते हैं और जिनका अधिकारी आज तक समाधान नहीं करा पाए? सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भास्कर समाचार का कि एक माह ही सही आपने मुझे अवसर दिया, ये मंच प्रदान किया। वैसे इससे पहले कलेक्ट्रेट में मैंने DM महोदय को 21 फरवरी को अपना प्रत्यावेदन दिया था और वहाँ काफ़ी चैनल उन्होंने कवरेज भी लिया था और मुझे सहयोग दिया, मेरी आवाज़ कुछ हद तक लोगों तक पहुंची। लेकिन जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा हूं विगत लगभग 3-3.5 साल से, नियुक्ति के समय से ही लगभग, जिसमें क्योंकि सेना में रहने से एक संघर्ष करने की थोड़ी आदत पड़ गई थी, बर्दाश्त करने की जो हमें सिखाया जाता है उसको, उस टॉर्चर को सहा जी, लेकिन मानसिक टॉर्चर बहुत गहरा होता है। 18-19 महीने बाद मैंने अपनी बात, लगभग जहाँ तक तिथि मुझे याद है 30 अगस्त 2022 को मैंने भूतपूर्व DM साहब थे राजकमल यादव जी, जी व्यक्तिगत रूप से मैंने उनके समक्ष रखी, प्रत्यावेदन दिया उनको। कुछ हद तक, 1-2 माह तक मेरी समस्या बढ़ी नहीं, रुकी तो नहीं पर बढ़ी नहीं, उस पर थोड़ा सा अंकुश लगा। किंतु बैकएंड पर जो हमारे भूतपूर्व प्रधानाचार्य, तत्कालीन प्रधानाचार्य थे विद्यालय के, उन्होंने मेरे रिकॉर्ड्स में बैक डेट से ही एंट्रीज भरनी शुरू कर दी, जिससे कि मेरा सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाए जी। प्रारंभ में साथी अध्यापकों ने समझाया कि संतोष रखिए, सब ठीक हो जाएगा, ये चीज़ें खिंचती गई। उन्होंने फिर कई तरह के दबाव बनाते हुए, बेसिक मोड उनका मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा,
जब मेरी नियुक्ति 2021 में कोरोना काल में हुई तो वहाँ पर कोई और स्टाफ नहीं था, मात्र एक जो वर्तमान कार्यवाहक प्रधानाचार्य अशोक कुमार जी हैं, अंग्रेजी के अध्यापक हैं, वो थे वरिष्ठ, उसके बाद मैंने ही ज्वाइन किया था। तो उस क्षण में मेरे साथ वित्तीय समस्याएं पैदा की गई, जैसे कई काफ़ी लंबे समय तक हस्ताक्षर नहीं दिए गए अटेंडेंस के, बारम्बार पूछने पर कुछ वित्तीय नुकसान झेलने के बाद वो हस्ताक्षर दिए गए। उसके बाद नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ, मुझे नियुक्ति पत्र गृह विज्ञान में नियुक्त कर दिया गया। मेरी नियुक्ति टीजीटी गणित में है और मेरी नियुक्ति टीजीटी गृह विज्ञान में कर दी गई। उसके बाद फिर मुझे वित्तीय नुकसान पहुंचाने के पश्चात फिर मुझे आंशिक रूप से सही नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, उसमें भी मेरे नाम में अभी भी त्रुटि है। उसके बाद ये चीज़ें चलती रहीं। मेन ध्येय भूतपूर्व प्रधानाचार्य जी का मात्र हमारे वेतन पे होता है जी। बाकी शिक्षक साथी के बारे में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, उनमें वो सामर्थ्य अथवा या उनका धैर्य ज्यादा है, वो चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों सर, अभी आपने बीच में बात की थी टॉर्चर की जी, वो टॉर्चर विभाग द्वारा आपका किया जा रहा है या विद्यालय का जो स्टाफ है उसके द्वारा किया जा रहा है, किस तरह का टॉर्चर है सर? सर मैं इस टॉर्चर को अब व्यक्तिगत नहीं कहूंगा, ये जिस प्रकार से सिस्टम कॉम्प्लेक्स या जटिल हो गया है, अब मैं या तो माननीय जो भूतपूर्व प्रधानाचार्य हैं राजेंद्र सिंह भाटी जी उनको कहूं, या फिर जब मैंने अपनी शिकायतें इस विभाग में जिला संस्था से प्रारंभ किया जी, चाहे वो प्रबंध संचालक हों तत्कालीन वर्तमान, चाहे वो DIS महोदय हों तत्कालीन वर्तमान, चाहे वो DM महोदय हों तत्कालीन वर्तमान जी, और उसके आगे JD महोदय, उसके आगे डायरेक्टर महोदय, चाहे वो DDR महोदय हों JD महोदय हों शिक्षा मंत्री महोदया हों और योगी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वहाँ तक भी अभी कुछ समय पहले मैंने अपनी बात 14 नवंबर को पहुँचाई है जी। तो मुझे काफ़ी उम्मीदें थीं कि इस पे कुछ मुझे सहयोग मिलेगा और मेरी जो ये पीड़ा है जिसको मैं शब्दों में नहीं ढाल सकता उस पे कुछ अंकुश लगेगा और निराकरण हो जाएगा जी। इसके बीच में जनसुनवाई पोर्टल पे भी ये चढ़ी 4-5 बार और बड़े ही विचित्र प्रकार से बिना तथ्यों के उनको बंद कर दिया गया और अनर्गल चीज़ें लगाकर उनको ऐसे ही बंद कर दिया। किसी ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से जांच नहीं की। 23 दिसंबर 2022 को एक जांच आई, एकल जांच अधिकारी थे श्री रामनिवास जी, तत्कालीन प्रबंध संचालक भी थे जी। मैंने 6 दिसंबर को तत्कालीन DM साहब को शिकायत की थी, उसके उस पर उन्होंने कार्रवाई की थी उन्होंने जी। उस जांच के दौरान जांच अधिकारी के समक्ष ही मुझे मारने का प्रयास किया गया और इतनी पीड़ा हो रही है कि मुझे माँ की वो गालियां दी गई। अब आप कल्पना कीजिए, हम भारत माता की जय बोलते हैं और ये व्यक्ति एक भूतपूर्व सैनिक होकर अपनी माँ की उस गाली को सुन रहा था, उस पीड़ा को सुन रहा था जी। सब अध्यापक इसमें अधिकतर कनिष्ठ थे, 2-3 वरिष्ठ अध्यापक थे जिसमें चाहे प्रबंध संचालक हों। आप सर कल्पना कीजिए मैं वो मतलब कैसे उसको झेल रहा था। अब ठीक है, मैंने फिर भी हाथ जोड़े, दूसरी बार रामनिवास जी मुझे कक्ष में ले गए। वहां आकर तो उन्होंने टेबल के चारों तरफ वो तांडव किया कि बस शायद मैं उनके हाथ लग जाता तो शायद मेरा गला घोट के ही मार डालते जी। कुर्सी फेंक के मारी, पेन फेंक के मारा। फिर रामनिवास जी ने उस समय उस सेकेंड टाइम, प्रथम बार तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सेकेंड टाइम उनको कहा कि जी भाटी जी आप गलत कर रहे हैं, ये शिक्षक के लिए अच्छी मर्यादित भाषा नहीं है। तो उन्हें बाहर ले गए, अनुरोध करके मैं DIS कार्यालय में आया। तत्कालीन DIS महोदय थे रविंदर सिंह जी, उनके साथ बात रखी तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे, उन्होंने उस पर अमल भी किया कि मास्टर जी आपके साथ जब तक मैं हूँ इस कार्यालय में गलत नहीं होगा जी। कोई बात नहीं, वो दबंग व्यक्ति है, काफ़ी लोग नहीं सुधार पाए और कुछ बातें और भी वहाँ स्टाफ था उन्होंने बताई कि पहले कोई DIS महोदया थी इंदु बाला गौड़, उदय भान, कुछ ऐसे केस झूठे वूटे और बदतमीजियां उन्होंने की हुई हैं, वो रिकॉर्ड है, उन्होंने बताया, मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। आपने अभी एक नाम लिया भाटी जी, ये कौन है? ये राजेंद्र सिंह भाटी हैं, ये जिस विद्यालय में मेरी नियुक्ति हुई है उसके फाउंडर के पुत्र भी हैं उनके जी। और सबसे बड़ी विडंबना है कि प्रथम 18 माह उसका संचालन में मैंने पूर्ण सहयोग दिया, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा भी की, मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक आयोजनों में वो स्वयं आए जबकि और कहीं नहीं जाते हैं जी। और 22 फरवरी 2022 में ही कुछ ऐसी चीज़ें आईं जो मेरे सामने आईं जो नीतिसंगत नहीं थी। जैसे मैंने आरोप
क्या मैंने बात कही है, शिकायत की है मैंने, आरोप नहीं है वो, तथ्य सही थे कि फीस का गबन जो सरकारी फीसें होती हैं कर वो खुद रहे थे और मुझे बाध्य किया जा रहा था कि मैं पैसा दोबारा उनको दूं। आपने अधिकारियों की बात की, आपने शासन प्रशासन की बात आपने की, जहां तक आपने शिकायत पहुंचाई है जी। लेकिन सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि आपकी समस्याएं क्या है, वो व्यक्तिगत समस्याएं हैं या विद्यालय से जुड़ी हुई समस्याएं? सर ये दोनों ही का मिक्सचर है जी। मैं एक अध्यापक हूँ तो स्वाभाविक है व्यक्तिगत रूप से उस संस्था में मैं जाऊँगा जी, और संस्था में जाऊँगा तो जो जिनका मैंने बार बार नाम लिया है, जिनके ऊपर मैंने अपनी शिकायतें रखी हैं विभाग के सामने जी, उनके द्वारा मुझे लगातार कई तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। पहला तो वित्तीय है ही जी, उसमें वित्तीय में उन्होंने जो जॉइनिंग के टाइम पे, उसके बाद में मुझे बीच बीच में कई बार और तरह से परेशान किया जी। उसके बाद में उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया गया कि आप कुछ वित्तीय सहायता संस्थाओं कर दो और आप घर पे रहो, माह में एक बार आना, हस्ताक्षर करना, जिसका मैंने मना कर दिया जी। वो सही भी नहीं था, मैंने मना कर दिया। ये आप आरोप लगा रहे हैं, तथ्य हैं आपका? अब सर इसके लिए बाकी के तो तथ्य हैं जो कोरिलेटेड हो, रिलेटेड हो जाएंगे जी, लेकिन हाँ इसका मैं तथ्य पेश नहीं कर पाऊंगा, होगा तो मैं आपको अवगत करा दूंगा जी। अभी मुझे याद नहीं है, वो काफी डाटा मेरे पास है जो रिकॉर्ड्स पड़े हैं, अभिलेख हैं। इसके बाद में इन्होंने कई तरह से प्रताड़ित किया, जिसमें मैंने अपनी मेरी कार थी उस कार को डैमेज किया गया प्रांगण में, मैंने उपयोग की स्कूल के लिए, मैं डीआईएस कार्यालय वगैरह सब जगह उसको लेके जाता था, मैंने कभी कुछ उनसे क्लेम नहीं किया जी। वो अधिकतर विद्यालय में आते नहीं थे, प्रमाण है इसके, विद्यालय में आते नहीं थे और पीछे से सब काम मैंने देखे हैं, जैसे अध्याचन वगैरह भेजना, उसमें भी एक मेरे उनके माध्यम से भेजा गया है जी। और बाद में इन्होंने क्या किया कि अब ये तो ईश्वर जाने, यह तो वही बता पाएंगे क्यों वो मुझसे इतने मतलब विरोधी हो गए और मेरे खिलाफ कार्य करने लगे, उन्होंने मुझे मारने तक का प्रयास किया। अब मैं सत्य बताऊं तो दिसंबर 2022 से मुझे प्रतिक्षण डर रहता है कि शायद मेरी हत्या हो जाएगी, वो कई बार इस चीज़ को बोल चुके हैं और उनकी दबंग ऐसा है कि सामाजिक गणमान्य लोगों के द्वारा भी अप्रोच कराने के बाद, सिफारिश लगाने के बाद कि भाई इस अध्यापक को मात्र पढ़ा के जाने दो और जितना कार्य करे उतना ऐसे वेतन दे दो, जो भी नियम है नियम के तहत जी। लेकिन उन्होंने सबको अलग अलग तरीके से, बड़े सॉफ्ट तरीके से उनको मना कर दिया। तो स्वयं गांव के अंदर भी हमने प्रयास किया खेला गांव में कि भाई वहीं के हैं वो, मेरा उद्देश्य तो मात्र पढ़ाना है और अपना वेतन लेना जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं जी। और वो उसी पर टारगेट किए हुए हैं। उन्होंने रिटायर होने के पश्चात, वो मार्च में रिटायर हो गए, रिटायर होने के पश्चात 11 मई को उन्होंने विद्यालय प्रांगण में ही बैठ के और बैड एंट्रीज की, बैकडेटेड। यहाँ एक विचित्र स्थिति यह है कि जो हमारी सर्विस बुकें हैं उनके अंदर तत्कालीन जो रामनिवास जी थे प्रबंध संचालक, उन्होंने ब्लैंक पे ही साइन करके दे रखा था, जिसमें उन्होंने मनमाफी अपनी चीजें भर ली जी, प्रमाण है इसके हमारे पास। और उसके बाद उन्होंने मुझे नोटिस भेजा, मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया कि महोदय आप तो रिटायर हो चुके हैं जी, अब रिटायर के पश्चात जो तत्कालीन या वर्तमान मैं बोलूंगा अशोक जो भाटी हैं, अशोक कुमार जी सॉरी, वो उन्होंने तो मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं है जी। और ये बात भी थी, अशोक कुमार जी ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया था, 4 माह का वेतन रुका रहा जुलाई के पश्चात। और उसके बाद हम संगठनों के पास भी गए, जिसमें एक हमारी शिक्षक संगठन है जो सहायता करती है नव्या फाउंडेशन, दूसरे संगठनों के पास भी गए, किंतु इन्होंने नव्या फाउंडेशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने हमारा सहयोग का संकल्प लिया और हमारे वेतन एक दो बार वो निकलवा चुके हैं। मुझे 2 बार मारने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत में तत्क्षण मैंने कर दी थी विभाग में, पुलिस एसपी महोदय को भी मैंने की थी, कुछ छोटी मोटी पुलिस कार्रवाई जिसको बीच में अलग तरीके से रोक दिया गया, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूंगा, मुझे भी भय है कहीं मुझ पर ही उल्टी और कार्रवाई हो जाए, मैं पुलिस विभाग से पंगा नहीं। आपको बता दूं योगी राज है जी, और योगी राज में भयमुक्त समाज जी रहा है, तो आपको भय करने की आवश्यकता क्या है सर? मैं तो, क्या आपको योगी सरकार पर विश्वास नहीं है? योगी जी पर विश्वास है और अब जो नीचे का जो बॉटम लेवल का ये तंत्र है इस पे विश्वास मेरा चला गया। तथ्य मेरे सामने है, मैं दिखा सकता हूँ आपको जी। आप कम से कम देख लीजिए, मैं कितने इसमें होंगे, 66 प्रत्यावेदन तो नीचे से ऊपर तक मैं भेज चुका हूँ और उससे अलग मौखिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से मैं लखनऊ तक कई बार जा चुका हूँ, प्रयागराज कई बार जा चुका हूँ, मेरठ कई बार जा चुका हूँ और लगभग 150 दिन की समस्याएं मैं DISO में मेरी ऑफिस में कट चुकी हैं। 4 वर्ष में जितने भी मैंने अवकाश रिकॉर्ड पे लिए हैं
मात्र 5 या 6 दिन का तो सर मैं कहता नहीं जी, लेकिन बाकी सब अवकाश मेरे DIS ऑफिस या JD ऑफिस अथवा DM ऑफिस में गुजरे हैं। तो आप पीड़ा को समझिए। और मेरी शिकायतों पर ऐसा नहीं है अधिकारी कुछ संज्ञान नहीं लेते जी, मेरे पास 3-4 पत्र हैं जिसमें संज्ञान लेने के लिए संस्था स्तर पर बोला गया है जी। लेकिन ये भी बड़ी विचित्र बात है, बस वो पत्र एक बार बन जाता है, बाद में उसका फॉलो अप ना तो विभाग लेता है और वहां से तो उस पर कुछ होता ही नहीं। यहाँ एक ऐड करना चाहूंगा बाद में जी। अब तो मानव संपदा पे छुट्टियां हो गई हैं, इससे पहले यदि प्रधानाचार्य महोदय को मैं अपना एप्लीकेशन देता था तो उसे उठा के फाड़ कर फेंक दिया जाता था। कक्षा में मैं पढ़ा रहा होता था, उस कक्षा के अंदर मेरे ही सामने अटेंडेंस रजिस्टर में मेरी एब्सेंट भर दी जाती थी जी। उसकी भी शिकायत तत्क्षण मैंने की। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि स्वयं DIS महोदय जो रविंद्र सिंह जी थे जब ये प्रकरण प्रारंभ हुआ उनके समक्ष भी रख दी और लग रहा था वो ठीक करा देंगे, लेकिन उन्हें भी यह कहना पड़ा कि जब तक हमें हम अपने पेन से आपका बुरा नहीं करेंगे। किया उन्होंने नहीं, किंतु ठीक भी नहीं करा पाए अधिकारी होने के पश्चात भी। प्रधानाचार्य का पद सबसे वरिष्ठ होता है विद्यालय स्तर पर, किंतु विभाग तो उन्हें निर्देश तो देता है, उस पर कार्रवाई तो करा सकता है। ऐसे क्या कारण है कि ना तो प्रबंध संचालक, ना DIS महोदय, ना JD महोदय, और सबसे बड़ी बात जहां पर मेरा जान का खतरा मुझे भी बना हुआ है, पुलिस भी मेरा सहयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे हैं अभी फिलहाल, आप क्या चाहते हैं? फिलहाल सर मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रथमतः मुझे वहाँ से किसी भी विद्यालय में जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर मुझे समायोजित कर दिया जाए, जिससे कि मैं अपना शांत मन से अपना जीवन यापन कर सकूँ, अपने बच्चों को पाल सकूँ। चलिए, अगर आपकी इन सभी समस्याओं का जो आपने बताई तत्काल प्रभाव से इनका समाधान नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे? मेरे पास सर 2 ही विकल्प हैं कि मैं जो भी सक्षम अधिकारी होंगे मैं उनके पास बैठ जाऊंगा और अपना अनुचल त्याग दूंगा। तो आप भूख हड़ताल करें, इसके अलावा आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता? अन्यथा फिर इच्छा मृत्यु की राष्ट्रपति महोदय से प्रार्थना करूंगा। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि आपके अलावा विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, क्या उनके साथ भी ये समस्या है या आप ही के साथ है? सर जो विकट समस्या है वो तो मेरे साथ चली रही है जी, पर ऐसा नहीं है कि समस्या औरों के साथ नहीं है। तो चलिए, खैर हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से आप आज भास्कर समाचार के कैमरे पर आपने अपनी सभी समस्याओं को बताया और आपने बताया कि किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, आपको जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है, आपके पास इन सभी चीज़ों के साक्ष्य हैं। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब बार बार एक ही बात करें कि आपकी हत्या की जा सकती है, वो शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, लंबे समय से हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज खेला वहाँ पर स्थित है, ना जाने कितने बच्चे वहाँ से पढ़कर गए होंगे, ना जाने कितने शिक्षकों ने वहाँ पर ज्वाइनिंग ली होगी, वहीं से रिटायरमेंट लिया होगा, आज तक वहाँ पर कोई इस तरह का प्रकरण नहीं आया। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपके साथ हो सकता है? सर लगभग इस तरह के प्रकरण वहाँ चल चुके हैं जिसमें मैं अब नाम लूंगा तो, क्योंकि कोर्ट में के जो वाद हैं विवादित हैं एक नहीं है जी, 4-5 विवाद लंबित हैं। और मेरे पास एक अभिलेख एक दो हैं जिसमें भूतपूर्व प्रधानाचार्य को कारावास की सजाएं भी हुई थी, बाद में उनके जैसे भी उनको अभी हैं वो मैं उसमें पुष्टि कुछ नहीं करता, किंतु मेरे पास ये साक्ष्य भी हैं कि वो रहे थे। तो ये डर बैठाता है कि जो व्यक्ति एक बार कारावास किसी भी कारण से हो, मैं ये नहीं बोलता कि वो अपराधी थे नहीं थे वो तो कोर्ट का मैटर है, लेकिन ये चीज़ें हैं। दूसरा, अध्यापकों के साथ मारपीट भी हुई है, उन्होंने स्वयं बताया है, ये स्वयं उन्होंने बताया है कि पेड़ है वहाँ पे कटहल का कि वहाँ हाथ पकड़ कर पीटे गए हैं, चपरासियों के कुछ हैं वो आते नहीं हैं, और सत्य भी है, मैंने पिछले 4 वर्ष में देखा भी है। मैं नाम नहीं लूँगा, पास में ही एक गाँव है उसके कुछ 2 अध्यापक आए थे, मैं अकेला था, वो मुझे बताकर भी गए थे कि थोड़ा अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना। और मैं आपको ये भी साक्ष्य दिखा दूंगा कि अभी विद्यालय में अधिकतर मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ, पूरा स्टाफ पता नहीं कहाँ लेके जाया जाता है, और वो सब बाध्य हैं। चलिए सर, शुक्रिया, आप भास्कर समाचार के कैमरे पर आए और आपने अपनी समस्याएं रखी। तो दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं मास्टर मुकेश शर्मा जी, जो गणित के टीचर हैं और हजारीलाल मेमोरियल इंटर कॉलेज खेला में बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देने का काम करते हैं। इनकी कुछ मुख्य समस्याएं हैं, जैसे इनकी वेतन वृद्धि को लेकर इन्होंने कहा, इनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, इनको वेतन समय से नहीं मिल रहा, जान से मारने तक की इनको धमकी दी जा रही है। ये जो सब चीजें इन्होंने बोली हैं, इन सब के इनके पास प्रमाण है, जिला स्तर से लेकर
प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इस समस्या को पहुंचा चुके हैं, अधिकारियों के चक्कर लगातार काट रहे हैं। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 30 अगस्त 2022 से आज 13 मार्च 2024 तक क्या कुछ इन्होंने नहीं किया होगा, क्योंकि ये जो फाइल है ये इस चीज की गवाह है कि ये झूठ नहीं बोल रहे, इनके पास सभी साक्ष्य हैं। अब अधिकारी क्या जांच करते हैं या नहीं करते वो तो वो खुद जाने, लेकिन फिलहाल इनके पास एक लेटर है, इस पे लिखा है, इन्होंने एक प्रत्यावेदन मुख्यमंत्री के नाम में लिखा है, एक प्रत्यावेदन इन्होंने माननीय वित्त मंत्री के नाम लिखा है भारत सरकार, और दो प्रत्यावेदन इन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री माध्यमिक शिक्षक उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दो प्रत्यावेदन इन्होंने दिए हैं, दो ही प्रत्यावेदन इन्होंने श्रीमान शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ भेजे हैं, सचिव को श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज को एक प्रत्यावेदन इन्होंने दिया है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये पुष्टि है इस चीज की और ये प्रमाण है इस चीज के कि ये लगातार लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने 5 प्रत्यावेदन श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागपत को लिखे, 2 प्रत्यावेदन इन्होंने पुलिस अधीक्षक महोदय बागपत को लिखे, और 11 श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक बागपत को 11 प्रत्यावेदन इन्होंने लिखे हैं, और 14 श्रीमान प्रबंध संचालक उक्त संस्था के जो है उनको भी 14 इन्होंने प्रत्यावेदन लिखे हैं, और 15 प्रत्यावेदन इन्होंने श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उक्त संस्था जहां पर ये कार्यरत है, जहां पर ये अपना शिक्षा ग्रहण कराते हैं, जहां पर इनकी ड्यूटी है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि ये इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक इन्होंने प्रयास किए हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान होए। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि इनकी समस्या का समाधान आखिर क्यों नहीं होता, क्या वह कारण है जिनको दूर नहीं किया जा सकता, या जिनकी वजह से यहाँ के जो अधिकारी हैं वो मौन बैठे हुए हैं, वो चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं, इस चीज का सवाल बनता है। और हम सवाल करेंगे अधिकारियों से भी कि आखिरकार मुकेश कुमार शर्मा जी को इंसाफ आज तक क्यों नहीं मिला। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मुकेश कुमार को इंसाफ मिले, मुकेश कुमार से हमारी कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है, कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये पीड़ित है और भास्कर समाचार हर एक पीड़ित व्यक्ति की